जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आज सुबह में एक भजन रिलीज हुआ है जिसका नाम है रोवे ले रघुराई, जिसमें आवाज़ दिया है पावर स्टार पवन सिंह जी ने। वाकई में पावर स्टार पवन सिंह जी सरस्वती पुत्र हैं। जब ये आप गीत सुनेंगे, जब ये भजन आप सुनेंगे, तो आपको याद आएगा रामायण का वो प्रसंग, वो दृश्य जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है और वो मूर्छित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, और उस समय त्रिलोक स्वामी पुरुषोत्तम श्री राम उस अवस्था में देखकर लक्ष्मण जी को वो चिंतित हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं, दुख में हो जाते हैं। सोची उस दृश्य को उठाया है इन्होंने, और उस दृश्य को क्या पिरोया है राजेश मिश्रा ने अपनी कलम के जादू से। ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ऐसे भावनात्मक, ऐसे ऐसे दर्द भरा चीज को लाया है। ये कहीं ना कहीं रामायण से उठाया गया है, लेकिन कहा गया ना, अपने अपने कार्यकाल में सभी लोगों ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया है और अपने अपने तरीके से परोसा है और लोगों ने सराहा है, क्योंकि रामायण में इतना गहराई है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि आप इसका एक क्षण भी अगर आप उठा करके अगर कुछ बनाते हैं तो आपको जीवन खत्म हो जाएगा इसे बनाने में, क्योंकि ये रामायण है, ये राम जी की रामायण है, लक्ष्मण की रामायण है, माता सीता की रामायण है। तो राजेश मिश्रा ने बहुत ही अच्छे से इसे लिखा है। और रही बात म्यूजिक की, तो छोटू रावत ने बहुत ही सराहनीय म्यूजिक दिया है, कर्णप्रिय दिया है। वाकई में सुनकर सुकून मिलता है, लगता है कि हाँ भजन बज रहा है, और ये भोजपुरी गायक गा रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा, अगर आप हिंदी सुनते हैं या अन्य लैंग्वेज के सॉन्ग सुनते हैं, भक्ति सुनते हैं, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये भोजपुरी का प्रोडक्ट है। बॉलीवुड में 600 करोड़ की फिल्म आदि पुरुष बनाया गया, जिसपे हमारा पवन सिंह जी का गाना, एक गाना, एक भक्ति गाना पूरे फिल्म पे भारी है। उन्होंने 600 करोड़ लगाकर रामायण को नहीं दिखा पाया, रामायण को मूल आत्मा को नहीं दिखा पाया, रामायण का संस्कार नहीं दिखा पाए, लेकिन पवन सिंह जी एक गाने में पूरे रामायण दिखा दिए। क्या दृश्य है, क्या गीत है, क्या गाने का लिरिक्स है, क्या अंदाज है गायकी का, इसे कहते हैं भजन। वाकई में वर्षों बाद भोजपुरी में ऐसा गाना आया है, रोवे ले रघुराई, अखिया खोला बबुआ, रोवे ले रघुराई। वाह क्या लाइन है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और सबसे काबिले तारीफ है पवन सिंह जी की टीम कि ऐसे गानों का चयन उन्होंने किया, और ऐसे हमारे जो संस्कार है, हमारा जो कल्चर है, जो हमारा संस्कृति है भारत के, वैसे गानों का उन्होंने चयन किया और हमारे समक्ष गाने लाए। सब लोग को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, गौरवान्वित फील हो रहा होगा कि भोजपुरी में भी ऐसे कलाकार हैं, ऐसे भी लिरिक्स राइटर हैं, ऐसे भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ऐसी भी कंपनियां हैं जो ऐसे गाने को प्रोड्यूस करती हैं। हमारा दुआ है, हमारे टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग ऐसे ही गाने बनाते रहें और ऐसे ही सबको मनोरंजन करते रहें।